दिखाएंगे बस्तर से, जहां बदल गया बस्तर कार्यक्रम जारी है। चर्चा का दौर शुरू करते हैं, सबसे पहले शाइन के पास पहुंचते हैं। शाइन, आप फॉरेन से पढ़ के आए हैं, फॉरेन से पढ़कर जगदलपुर वापस आकर यहाँ पे स्टार्टअप करना और यहाँ पे चीजों को देखना, क्या लगता है कि कितना अंतर है फॉरेन और यहाँ की चीजों में? अंतर यानी कि अच्छी चीज भी है, बुरी चीजें भी हैं। तो सबसे पहले जगदलपुर में जो हम एक दूसरे को, जगदलपुर वासियों से जो प्यार प्रेम है, वो आपको फॉरेन में कहीं नहीं दिखेगा। जो भाईचारा है यहाँ पे, वो आपको फॉरेन में कहीं नहीं दिखेगा। वहाँ पे लोग, पड़ोसियों को भी मैं देखा हूँ कि अक्सर जानते नहीं हैं अच्छे से, जबकि हमारे यहाँ पे सब एक फैमिली की तरह है। आप बिजनेस करेंगे यहाँ पे तो जाहिर सी बात है, जब छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो भी सकती है, लेकिन वो गलती होने से पहले ही आपके ही आसपास वाले, आपके ही शहरवासियाँ आपको, आपके साथ रह के वो गलती होने से बचाएंगे। फॉरेन में अक्सर ऐसा नहीं होता। कंपटीशन जो है एक हेल्दी तरीके से नहीं होता है, कंपटीशन बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही रिग्रेस तरीके से होता है। जबकि फॉरेन की अच्छी चीज़ में ये है, जो हम लोग के यहाँ पे नहीं है, कि फॉरेन में लोग थोड़े डिसिप्लिन्ड है, ज़्यादा नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो हमारे इंडिया में भी हमारे रूल्स है कि सेटबैक एरिया कितना छोड़ना है, गार्डन एरिया कितना होना चाहिए, पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए, बट अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये नॉर्म्स हम फॉलो नहीं करते हैं, हम गो अराउंड करते हैं, वे अराउंड फाइंड आउट करते हैं। तो इस वजह से क्या है, हमारा सिटी की डेवलपमेंट में थोड़ा सा सुंदरता की कमी रह जाती है, बिकॉज ये नॉर्म्स हम फॉलो नहीं करते। अगर हम ये छोटे नॉर्म्स को फॉलो करने लग गए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, लेन्स हो गए, और अपने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नॉर्म्स हो गए, और सिर्फ फॉलो ही नहीं, अगर हमारे जिला प्रशासन और सरकारें इन नॉर्म्स को रिवाइज भी करते रहें साल भर, तो आई थिंक हम फॉरेन से बहुत ही तेजी में ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है अभी। फॉरेन से यहाँ पर आकर यहाँ पर स्टार्टअप करने का कैसे सोचा आपने, और क्या फ्यूचर लगता है आपको यहाँ पे, जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया है, वर्गीज बिल्डर को आप आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं? देखिए, हर समय ऐसा होता है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप कई चीज़ें सीख रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट, अगर मैं फॉरेन में रह के फॉरेन में देखा हुआ चीज़ को उन्हीं लोगों के बीच में रखता तो शायद मैं कुछ नया नहीं करता, शायद उन लोगों के ज़िंदगी को इफ़ेक्ट नहीं करता। हमारे सारे वर्गीज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हमारा बहुत ही फर्म फिलॉसफी है, और जो कि बहुत ही एक बिब्लिकल फिलॉसफी है, कि हम बिजनेस करते हैं टू सर्व पीपल। हमारे लिए मनी इज़ जस्ट अ वे ऑफ मेजरिंग कि हम कितने लोगों के लाइफ्स को बेटर किए हैं। तो अगर मैं बस्तर वापस आके या छत्तीसगढ़ वापस आके इंटरनेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर पाऊँ, और इंटरनेशनल लेवल के हाई राइज बिल्डिंग्स, इंटरनेशनल लेवल के रेस्टोरेंट्स, इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यहाँ पे अगर डेवलप कर पाए, तो द अमाउंट ऑफ लोग जिनका लाइफ बेटर होगा उस चीज़ों से, उसका रेशियो अनपैरेलल है जो मैं फॉरेन में करता हूँ उससे। तो आई थिंक बाहर कमाई तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन हमारे सिद्धांतों के हिसाब से हम जिस तरीके से पैसों को नापते हैं कि हम कितने लोगों को सर्व कर पाए, वो शायद उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम वापस आए और अभी वर्गीज ग्रुप ऑफ कंपनीज को उसी डायरेक्शन में लीड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करें, और ज़्यादा सोसाइटी के लिए एक मॉडल बने कि हाउ बिजनेसेस कैन इम्प्रूव सोसाइटी। हेमंत जी, सवाल मेरा आपसे था, जिस वक्त आपका लैब शुरू हुआ था उस समय बस्तर की स्थिति आप भी जानते कि किस तरीके थी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन उस समय भी आपने लोगों तक सेवाएं जो है वो पहुंचाई, क्या कुछ चुनौती उस समय आपके लिए थी और कैसे आपने लोगों तक जो सेवाएं हैं वो पहुंचाई? आप सही कह रही हैं, उस समय जब मैंने सन 1988 से प्रारंभ किया था, तो उस समय बहुत ही सीमित संसाधन होते थे, बहुत सीमित परीक्षण होते थे, लोगों को जानकारी नहीं होती थी, इसका महत्व नहीं मालूम होता था, लेकिन शुरुआत तो करनी थी, हमने किया, और बहुत से परीक्षण ऐसे थे बहुत साधारण सिंपल, जो जिसके लिए लोगों को यहाँ से रायपुर या आगे जाना पड़ता था। जैसे कि सिंपल एक उदाहरण बताता हूँ, यूरिन कल्चर का 48 घंटे लगते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन है कि नहीं पता करना, कौन सी दवाई सूट करती है, तो वो सारा कुछ हमने जैसे यहाँ चालू किया। तो अब मान लीजिए छोटा सा परीक्षण है 200-300 रुपये का, अब उसके लिए आदमी वहाँ जाए या किसी को भेजे, तो निश्चित उसके ज़्यादा खर्चा हो जाते थे, टाइम भी
ये हो जाता था। तो हमने यहाँ मतलब बहुत सारी सुविधाएं चालू की और नए नए परीक्षण, और उसके बाद जैसे कि एक कुछ साल बाद जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है CBC, जो खासकर कोरोना से और उस समय सब जान गए हैं, डेंगू में भी जान गए हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो कंप्लीट ब्लड काउंट, उसकी भी मशीन कहीं नहीं थी। तो सबसे पहले आई थी मर्क कंपनी की, तो उसको मैंने लगाया था। और यकीन मानिए कि शायद किसी को पता भी नहीं हो, तो शुरू में हम उसके से परीक्षण करके फ्री में लोगों को देते थे और डॉक्टरों के पास जाए, ताकि वो जाने क्या चीज़ है ये, इसके क्या फ़ायदे हैं इस छोटी सी जांच का। और आज तो वो कॉमन हो गई है, बहुत हर जगह, छोटी से छोटी जगह पे उपलब्ध है। तो ऐसे धीरे 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 करके नई तकनीक और नया जानकारी और नई जांचें जो हैं, जिससे कि लोगों का समय बचे और सही समय पर सटीक जांच हो जाए, यही हमारा प्रयास रहता है। सर, कोरोना काल एक ऐसा समय था जिस वक्त कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, और ख़ासकर डॉक्टरों के लिए वो बड़ी चुनौती रहती थी। वो अपने परिवार को छोड़कर काम करते थे, जो लोग रहते थे उनकी सेवा में लगे रहते दिन रात। आप लोगों ने भी उस वक्त काम किया था, आपके परिवार की स्थिति कैसी थी उस समय, क्योंकि आप लोग भी परिवार से दूर रहते थे, और लोगों को ठीक करना, क्योंकि बस्तर संभाग भी एक ऐसा जगह था जहाँ पर भी कोरोना का प्रकोप जो था वो काफ़ी था। तो उस समय आप लोगों का काम करने की शैली कैसी थी, किस तरीके से आपने पूरी चुनौतियों को हैंडल किया, और आगे जिस तरीके से आप लोगों ने काम किया, वो समय कैसा था पूरा, और क्या अनुभव आपने लिया इससे? वो समय निश्चित रूप से काफ़ी पीड़ादायक था, काफ़ी सबके लिए तनाव भरा था। एक अनजान वायरस, एक अनजान बीमारी, जिसका कि किसी को इलाज भी नहीं मालूम क्या कैसे करना है, किसी के पास सही गाइडलाइन नहीं थी। WHO भी जो देता था, कभी पल पल में कभी कहता था क्लोरोक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन, कभी इसको हटा दो, इसको दे दो, सारा कुछ परीक्षण ही चल रहा था मेरे हिसाब से। और जो सही रिजल्ट आया है वो टीकाकरण के बाद ही आया है। जब प्रैक्टिकली ये देखने आया कि जिसको एक वैक्सीन भी लग गई, अब जो देख रहे हैं कि वो उसको भर्ती होना नहीं पड़ रहा, उसकी जान नहीं जा रही, ये बहुत बड़ा ये हुआ। लेकिन उस समय जो ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं मालूम था, बस कैसे भी करके उनकी जान बचाई जाए, कैसे डायग्नोस हो, कैसे जान बचाई जाए और कैसे वो सुरक्षित निकल जाए, यही सबका ध्येय था। तो हम लोग भी लगे रहे, हमने भी एक दिन भी उसमें विश्राम नहीं किया, और पूरे गाइडलाइन का फॉलो करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइज़र और एयर फिल्टर क्लिनिक में लगाए, और स्टाफ को भी पूरा निर्देश था कि कैसे हैंडल करना और वो सैंपल्स को कैसे हैंडल करना। और घर वाले भी निश्चित रूप से तनाव में रहते थे, लेकिन उनने भी पूरा सहयोग किया, और हमने बता दिया था, और सभी को प्रिकॉशन तो लेना है कि जैसे आप बाहर से आ रहे हो तो पूरा अच्छे से कम हाथ पैर धोना, चेहरा धोना, ये करना, गर्म पानी की भाप ले लेना, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमें बचा के रखी। और फिर जैसा कि आप सबको मालूम है, टीकाकरण हुआ तो सबसे पहले स्वास्थ्य वालों को ही लगा था, तो हम लोगों को फरवरी मार्च में ही जैसे ही आया पहली डोज लग गई थी, तो उससे काफ़ी हद तक फिर ये हुआ। लेकिन और ये भी हुआ कि बहुत से स्वास्थ्यकर्मी भी उसमें संक्रमित हुए थे, नर्सें हुई थी, यहाँ के डॉक्टर भी की ज़िंदगी चली गई, मैं समझता हूँ यहाँ मेडिकल कॉलेज में, जो बेचारे उस डिपार्टमेंट को देखते थे जहाँ पूरे सैंपल ये होते थे, उनकी चली गई। लेकिन धीरे 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 करके स्थिति जो है सुधरी सभी। कोरोना काल का कोई ऐसा वाक्य जो आपके जहन में बैठ गया हो, वो कोई वाक्य ऐसा आप बताना चाहें हमें? ऐसा कोई विशेष तो नहीं, लेकिन जैसा कि ये चल रहा था, तो एक तो दहशत के कारण लोग जाना नहीं चाहते थे, जाएं तो उनको लगता था कि हमको तो आइसोलेशन में डाल देंगे या भर्ती कर देंगे वहाँ का, फिर वहाँ की जो बताते थे कि नहीं निकलने नहीं देते, ऐसा होता है, ये होता है, तो कई लोगों
को हम मैंने भी टेलीफोनिक वो दिया कंसल्टेशन कि ये ले लो भैया 5 दिन 7 दिन। पहले तो यही था पैकेज आपका क्विनेन का और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और डॉक्सीसाइक्लिन पैरासीटामोल एक जिंक और मल्टीविटामिन और ये बीटाडीन से कुल्ला करना और बाद में फिर ये फेबीफ्लू वगैरह आई तो ये देखे मुझे काफ़ी संतोष है कि बहुत से पेशेंट इससे ठीक हो गए। और हिमांशु जी आपसे एक सवाल है, हॉस्पिटल क्वींस एनआरआई को आपने विशाखापट्टनम से यहाँ लेकर आया, कितनी चुनौती है क्योंकि सरकारी अस्पताल है ऑलरेडी और बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी है उसका, ऐसे में हॉस्पिटल को यहाँ पे शिफ्ट कर यहाँ पे लाने का ब्रांच खोलने का कैसा सोचा आपने? जगदलपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सी कमी है, बहुत से डॉक्टर्स नहीं हैं और यहाँ पर कुछ भी होने से किसी को कोई प्रॉब्लम होने से वो सीधे विशाखापट्टनम या रायपुर दौड़ता है, तो हम उस विशाखापट्टनम और जगदलपुर की जो दूरी है उसको कम करने के लिए हमने एक यहाँ पर विशाखापट्टनम के क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल के यहाँ पर ब्रांच की शुरुआत की जिसका अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, वहाँ के डॉक्टर्स भी आते हैं और यहाँ पर मंथली विजिट में भी लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा है कि कोरोना काल के समय दौरान ही जो है हॉस्पिटल को आपने यहाँ पे लाया, उस दौरान किस तरीके की चुनौती जो है वो फेस करनी पड़ी आप लोगों को? कोरोना काल में हम लोगों ने 175 पेशेंट जीरो डेथ रेट पे हमने यहाँ पर ट्रीट किया था। क्या है यहाँ पर डॉक्टर्स आना नहीं चाहते, हमने बहुत से ट्राई किए, बहुत से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकाली बट डॉक्टर्स यहाँ आना नहीं चाहते, सिर्फ डरते हैं हम नक्सली एरिया में कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, वहाँ एजुकेशन कैसा होगा, हेल्थ हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, सभी का यही क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे डॉक्टरों से हमने बात की फिर भी कोई आना नहीं चाहता बस्तर। तो ये थे हमारे मेहमान जिनसे हमने बात की कि किस तरीके से बस्तर में बदलाव आया है और बदले हुए बस्तर को किस तरीके से पहले इन्होंने देखा है और आगे किस तरीके से परिकल्पना बदले हुए बस्तर की कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बदल गए बस्तर में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंसल न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम जो कि बस्तर में आयोजित किया गया बदल गया बस्तर, जिसमें बस्तर के विकास को लेकर बातचीत की, कई मेहमान जुड़े, मुख्य अतिथि के तौर पर कवासी लखमा मंत्री भी जुड़े जिनसे तमाम बात की गई, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।